बच्चे तो इधर हैं, वो और भी है सब हैं। नहीं, मेरे बच्चों को भेड़िए ने खा लिया है। नहीं अल्लाह ना करे, कुछ नहीं हुआ। शानी की मम्मा, कुछ भी नहीं हुआ बच्चों को, क्या हुआ यार, आप क्यों परेशान हो? शानी मम्मा को क्यों रो रही है? आपने पूछा नहीं, क्यों चुप नहीं कराया आपने मम्मा को? कोई भी बच्चे, कोई भी नहीं चुप कराया आपने मेरे बच्चे। बच्चे क्यों रोए जा रही है इतना? मैं आपको बताती हूँ, मेरे बच्चों को भेड़िए ने खा लिया है। मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ क्या है। हुआ यार, बच्चे इधर देखो, मेरे साथ सारे चारों बच्चे हैं इधर, कोई नहीं, मसला नहीं आपको बच्चे। मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ, आप सुनिए, मेरी कहानी तो सुने। मैं रात सुबह से 3 बजे से जाग रही हूँ, इतनी मैं अरे वाह, परेशान हूँ, रो रो के मेरी आंखें सूज गई हैं। आप लोग खामोशी से बैठ के पहले मेरी दास्तान सुन लें। अल्लाह खैर करे, बताओ क्या हुआ है, मैं सुनता हूँ। बताओ बताओ क्या हुआ, बताओ बताओ क्या हुआ। मैं बताती हूँ आपको, लाहौर का अनारकली बाजार था और मैं शॉपिंग के लिए निकली हूँ और मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है। बच्चे तीनों से बैठे हैं, चारों ऑन भी है इधर सब। नहीं, क्या आप हुआ, मेरी क्या पूरी हुआ? बात तो सुने ना, एक आप बीच में बोल पड़ते हैं वो। परेशानी इतनी हो जाती है ना, इतनी यकदम से रोना फिरना घर में डाला हुआ है, क्या नहीं, हुआ? आप सुने तो सही, मेरे बच्चों के साथ हुआ क्या है अनारकली बाजार में, मेरे बच्चे नहीं मिल रहे। तो एक बहुत काले रंग की खतरनाक भेड़िया नुमा चीज जो है ना, वो आके मेरे साथ टकराती है और उसको जख्म लगता है, मुझे जख्म नहीं लगता। तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, जाने देती हूँ, उसको कुछ नहीं कहती। लेकिन आगे जाके लोग जो है ना, वो मुझे बताते हैं कि तुम्हारे बच्चों को भेड़िया खा गया, और तो वो भेड़िया आनी में मुझे अपने बच्चों के आज़ा मिले। आपको क्या पता, मैं सुबह से जाग रही हूँ 3 बजे से, रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया, मेरी आंखें सूज गई हैं, और ये सब मैंने ख्वाब में देखा है। ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अल्लाह खैर करे। ख्वाब तो ख्वाब होते हैं। हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इंसान अगर बुरा ख्वाब देखे तो उसके लिए बाएं कंधे पे 3 दफ़ा आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम पढ़कर फूंका जाए तो उसका असर ज़ाहिल हो जाता है, और तुम इसका सदका भी दो बच्चों का। अल्लाह पाक करम करे। ख्वाब तो बहुत बुरा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आका के कहने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनका फरमान है। तो यकीनी बात है उसका असर ज़ाहिल हो जाएगा। टेंशन ना लो, इंशाल्लाह तुम रिलैक्स हो जाओ, ठीक इंशाल्लाह है इंशाल्लाह, बस दुआ करें अल्लाह पाक मेरे बच्चों को अपनी जी। अमान में अल्लाह रखे। पाक इंशाल्लाह खैर करेगा। जी व्यूवर्स, ख्वाब में जो भेड़िया देखा था वो बहुत ख़तरनाक था। उसकी वजह से मैं पूरा दिन अपसेट रही, अपने बच्चों के हवाले से भी परेशान रही, और वो बिल्कुल काले रंग का भेड़िया था और बहुत ही खौफनाक उसकी शक्ल थी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ऐसा ख्वाब किसी को भी ना दिखाए। फिर मोहसिन के कहने पर जो है सदका दिया। सदका जो है वो आफात और मुसीबतों के लिए ढाल है, इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत करता है, बीमारियों का शाफी इलाज है। सदका बुरी मौत से हिफाजत करता है इंसान की। फरिश्ते दुआगो होते हैं उस इंसान के लिए जो सदका देता है, माल में कसरत के लिए फरिश्ते दुआगो होते हैं। अल्लाह का गुस्सा ठंडा करने का सबब बनता है, अजाब कब्र और जहन्नुम से हिफाजत है, और सबसे आसान बात कि अच्छी बात कहना भी सदका है। तो फिर जो मुझसे हो सका वो मैंने किया, और आप लोग भी मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो और आपके बच्चों की भी हिफाजत फरमाए, आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।